आज आप देख सकते हो मैं प्रॉपर राइडिंग गेट्स में यहाँ पर आया था। शर्माया मत करो, अभी केक खा लेते हैं। केक खाने के बाद रॉयल एनफील्ड के शोरूम में बेनेली की जैकेट सेल होगी और मेरे नाम से जो भी यहाँ पर आता है उसको तो अच्छा ऑफर मिलता ही है। दोस्तों करते हैं एक और नए दिन की शुरुआत। और मैं जैसे कि आपने प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा, मैंने आपको मोटर ब्लॉग करते करते इन्फॉर्मेशन दी थी कि रॉयल एनफील्ड के शोरूम में हंटर के 1,00,000 यूनिट का सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी मैं शोरूम आ चुका हूँ और काफ़ी राइडर्स भी आ चुके हैं, काफ़ी इनके गेस्ट वगैरह भी आ रखे हैं। तो अब केक कटिंग वगैरह करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर राइड का मूड हुआ तो राइड भी करेंगे। और अब सबसे भी आपको मैं मिलवाता हूँ कि अभी कौन कौन इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए शोरूम में आया है और कुछ बाइक का भी अपन वॉकराउंड करेंगे, क्योंकि तो बहुत ही ब्यूटीफुल मेरी फेवरेट बाइक है जो वो भी यहाँ पे खड़ी है, तो उसको भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेलिब्रेशन। आज आप देख सकते हो मैं प्रॉपर राइडिंग गेट्स में यहाँ पर आया था। बाद में मैंने राइडिंग गेयर वगैरह पहने, क्योंकि आज थोड़ा सा मूड हुआ था कि मैं प्रॉपर राइडिंग गेयर में हमारे रोनिन पे भी, जैसे प्रीवियस ब्लॉग में देखा मैंने, इस पर मोटो ब्लॉग किया है और हमारे मुतलिब भाई साहब भी हमारे साथ में आए, तो उनसे तो मैंने आपको मोटो ब्लॉग के टाइम में मिलवाया नहीं थी, उनकी आवाज़ सुनी थी। हमारे भाई भी बैठे हुए हैं और तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब बस केक कटिंग की तैयारी चल रही है, एक बार केक कटिंग करें फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्लान रहता है। देखो अभी तक मेरे पास कोई प्रॉपर अपडेट है नहीं, तो देखते हैं कि कैसा क्या सीन बैठता है। और जिस बाइक की मैं बात कर रहा था वो बाइक है ये कॉन्टिनेंटल GT भाई। इस पर मैंने अभी एक रील भी शूट की है, आपने अगर इंस्टा पर मेरे को फॉलो करते हो तो इंस्टा पर आपने देखा होगा। इसी बाइक पर मैंने अभी एक रील शूट की और पब्लिश भी कर दी है, तो फेसबुक पर भी मैं अभी अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ पर भी आप जाके वो रील देखते हो। शॉर्ट में भी मेरा मूड है कि उस रील को शॉर्ट में भी अपन अपलोड करें। और बाकी काफ़ी हंटर के राइडर्स आ चुके हैं, मैं उनके बाहर दिखा, एक हंटर वहाँ पे खड़ी है, एक वहाँ पे खड़ी है, अभी कुछ यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं सभी का, फिर सेलिब्रेशन को स्टार्ट करते हैं, केक कटिंग करते हैं और रिफ्रेशमेंट जो भी है यहाँ पे वो करते हैं। उसके बाद में देखते हैं अगर मूड हुआ सारे राइडर्स का जो जो इस इवेंट को ज्वाइन कर रहा है तो राइड भी जरूर करेंगे। ज़्यादा लंबी नहीं, शॉर्ट राइड ही रहेगी सिटी में, तो देखते हैं कैसा रहता है माहौल। तो बस अब एक बार केक का सेटअप एक बार हो जाए यहाँ पे, उसके बाद में इस वीडियो को करते हैं। तो केक भी आ चुका है, मैं आपको केक दिखा दें। तो यहाँ पे लिखा है हंटर 1,00,000 काउंटिंग, मतलब 1,00,000 यूनिट्स सेल हो चुकी है ऑल ओवर इंडिया और बहुत ही कम समय में। ये बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब और बहुत ही अच्छी बाइक है नो डाउट। मतलब एक कम सेगमेंट के प्राइस के, अगर जो भी लोग चाह रहे थे कि भाई हमको एक रॉयल एनफील्ड की बाइक कम पैसों में मिले, तो रॉयल एनफील्ड ने वो ही सोच के हंटर को लॉन्च किया था। और नो डाउट बाइक बहुत ही बढ़िया है, मतलब माइलेज को लेके, पावर को लेके, सब कुछ बढ़िया। तो सेलिब्रेशन तो भाई उस बाइक का तो बनता है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, ऑल ओवर इंडिया आज ही के दिन सेम डे सेम टाइमिंग में सभी जगह पे ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जितने भी रॉयल एनफील्ड के शोरूम है ऑल ओवर इंडिया, तो सभी जगह पे ये वाला सेलिब्रेट कर रहे हैं 1,00,000 यूनिट का, जो हंटर का 1,00,000 यूनिट का जो सेलिब्रेशन है उसको। और अब बस थोड़ी देर में आप केक कटिंग करते हैं, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, अब केक कटिंग की जो सेरेमनी है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी इन्होंने भी अभी न्यू बाइक ली है, तो आपको भी भैया कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी न्यू रॉयल एनफील्ड के लिए। और देख लो इनकी किस्मत, देखो इन्हीं के माता जी के हाथ से अब आज केक कटिंग करवाने वाले हैं। और यहाँ पे सारे भाई वगैरह सब कुछ सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे, तो नारायण जी स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैम के हाथ से केक कटिंग का हो गया है और यहाँ पे खुशियाँ, देखो मतलब सब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मोमेंट को। तो भैया आप केक तो खाना बनता है क्योंकि 1,00,000 सेलिब्रेशन है, तो यहाँ पे सभी लोग मतलब केक वगैरह आप खा रहे हैं। सबसे पहले मुंह मीठा हमारे माता जी का ही करवाया है, तो अब केक वगैरह खाते हैं, उसके बाद में ही करते हैं फिर इस वीडियो को कंटिन्यू। और कुछ एक गुड न्यूज़ भी है, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। हमारे वो न्यूज़ धीरज भाई ही देने वाले हैं। क्यों धीरज जी, जो अब आप मेरे पास में ही आ जाओ, आप नहीं आना पड़ेगा साहब, ये शर्मा रहे हैं कैमरा मैन, यूँ तो वीडियो काफ़ी बनवाते हैं बनास शर्मा। तो भाई अभी रॉयल एनफील्ड ने कुछ नया कुछ लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ी देर बाद में डिटेल देते हैं अपन।
है ना, बट शर्माया मत करो अभी, केक खा लेते हैं केक खाने के बाद। तो यहाँ पे केक खाने के बाद में पहले ये तो वो वाली बात हुई, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। हमारे धीरज जी ने वो वाली हरकत कर दी है कि भैया पहले पेट पूजा है उसके बाद में काम दूजा करेंगे। तब मैं भी अब केक खा लेता हूँ और फिर इसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और जो न्यूज़ आप लोगों को देनी है तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। केक वगैरह तो मैंने खा लिया पर मेरा मूड और हो रहा है केक खाने का। बट एक यहाँ पे बहुत तगड़ा इंसिडेंट हो गया कि जैकेट को यहाँ पे खड़ा कर दिया। यहाँ पे अभी ये सेल होने वाली है रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, बेनेली की जैकेट सेल होगी। मैंने यहाँ से ले ली है दूसरी जैकेट, तो वो आपको मैं दिखा ही देता हूँ। तो आप ये वाली अगर देख रहे हो तो ये मैंने यहाँ से ले ली है। तो एक्सचेंज का यहाँ पे मसला बैठ गया है मेरा, तो भैया जुगाड़ हो गया है। तो अब आरी की जैकेट पहनेंगे। एक तो मेरे पास ऑलरेडी है, वो मैंने मेरे भाई को, हमारे मुदलिप भाई साहब को गिफ्ट कर दी है, जो मेरी पहले वाली आरी की थी। ये क्या मैं नहीं लूँ, मैं क्या नहीं क्लियर, मेरे पास ऑलरेडी रखी है। अब मैं हो गया थोड़ा और दुबला, तो वो मेरी थोड़ी लूज रहती तो भाई की एकदम फिट आ रही, तो मैंने जैकेट इनको ही गिफ्ट कर दी। भाई आप खर्चा मत करो। तो अब मैंने यहाँ पे मेरे पास थी पेनली की, तो यहाँ पे मैंने कर दी भैया एक्सचेंज। मतलब 1 लाख यूनिट के सेलिब्रेशन में आज मेरे को गिफ्ट मिल गया रॉयल एनफील्ड की तरफ से। हाँ, मेरी पुरानी जैकेट मैंने जरूर दी है, और ऐसा भी नहीं कि वो पुरानी है, मतलब बहुत ही अच्छी कंडीशन की है। तो अभी काम के भी नहीं रहे ना जैकेट को। तो भैया मेरे पास आ रही की आ गई, वो भी 3 लाइनर वाली आ गई है। तो भैया मेरा तो बेनिफिट ही हुआ है। तो अब एक बार चाय वगैरह पीते हैं और थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेते हैं, फिर ही करेंगे आगे। राइड का कुछ प्लान चल रहा है तो देखो अब राइड करते हैं या नहीं करते हैं, वो तो अभी थोड़ी देर में हमको भी पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास भी अभी तक कुछ अपडेट ऐसा आया नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले केक लेके बैठे हैं हमारे धीरे धीरे। देखो मुंह छुपा लिया इन्होंने साहब, ऐसे यूँ मुँह छुपाओगे, देखो उंगलियों से पता चल गया है। यहाँ पे आज हमारे धीरज भाई के हमने थोड़े से मजे ले लिए। भाई पूरा नहीं मानते, ये बढ़िया है, ठीक है, छोटी मोटी मजा के हमारी चलती रहती है। वीडियो के थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ नया भी आया है, तो वो सारा हमारे धीरज भाई ही बताने वाले हैं। धीरज भाई यहाँ पे अभी क्या नया, मतलब रॉयल एनफील्ड ने और क्या, मतलब क्या क्या आप मतलब यहाँ पे अवेलेबल है हो चुका है? अच्छा, कीचेंस की भी रेंज आ चुकी है यहाँ पे, तो दोस्तों आप देख सकते हो कीचेंस है और क्या क्या है यहाँ पे। अच्छा, वॉलेट्स भी आए हैं और मतलब गॉगल्स वगैरह वो भी, और राइडिंग जैकेट की भी नई रेंज आ चुकी है, और ग्लव्स की उसकी भी आ गई। तो मतलब ओवरऑल मतलब जो भी अप्रैल में जो भी है सभी की न्यू अराइवल में न्यू रेंज आ चुकी है। यहाँ पे न्यू अराइवल का तो जो न्यूज़ थी वो बता दी, और अब जो सबकी दिलों की जान है GT 650, तो यहाँ पे क्रोम कलर में भी अवेलेबल है, क्योंकि इसका एक वेटिंग पीरियड का थोड़ा मसला है। बट अपने यहाँ पे एक बाइक ऑलरेडी अवेलेबल है, जो भी GT लवर है तो उसके लिए यहाँ पे बाइक अभी अवेलेबल हो रही है ना, तो हैंड टू हैंड मतलब अपन बाइक दे रहे हैं। दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी दिखाया, तो ये बाइक अभी यहाँ पे अवेलेबल है। वैसे इसका वेटिंग पीरियड चल रहा है ना 1 से 1.5 महीने का, बट अभी अपन अगर कोई लेना चाहे GT लवर जो भी है, अगर जिसको बाइक चाहिए तो उसको हाथों यहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो क्रोम कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रही है बाइक। अगर जो भी GT लवर है जिसको भी लेनी है यहाँ पर आओ, और जो भी ऑफर्स वगैरह वो मेरे प्रीवियस ब्लॉग में है, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, तो वो वीडियो जाके देखो आप। तो धीरज भाई ने वैसे भी सारी अभी जो न्यू अराइवल के अपडेट्स थे वो दे दिए हैं, और जिस बाइक को भी बाइक लेनी है, जैसे अभी अपन ने GT भी दिखाई थी, तो जिसको भी कुछ कॉन्टेक्ट करना, तो भाई के मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और एड्रेस भी यहाँ का दे रहा हूँ, और मेरे नाम से जो भी यहाँ पर आता है उसको तो अच्छा ऑफर मिलता ही है, जैसे कि अपन हर ब्लॉग में बोलते हैं। तो जिसको भी अच्छा ऑफर ग्रैब करना है, और जो भी GT लवर है उसके लिए, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, अब बाइक आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगी, और फाइनेंस की भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। पैसा टेंशन नहीं है कि भैया 3-4 लाख रुपए आपको कैश लेके आना है, फाइनेंस भी हो जाएगी भाई, है ना। सो बाकी सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्रीवियस ब्लॉग आपने जो भी देखे हैं मेरे रॉयल एनफील्ड शोरूम के, जो श्री राजपुर ऑटोमोबाइल के हैं, तो उनके भी सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी वीडियोज आप जाके देखो, तो जिससे कि आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब इस सेलिब्रेशन के वीडियो को और जो भी मैंने आपको जनरल डिटेल दी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर की फिर मत जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखो। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन, कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।